नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 48। आज हम गिरते हुए शिक्षा के स्तर पर और नैतिक मूल्यों में गिरावट के मुद्दों पर बात करेंगे। पेश है खास रिपोर्ट। शिक्षा के स्तर को कैसे सुधारा जाए और नैतिक मूल्यों में गिरावट का जिम्मेदार कौन के मुद्दे पर स्कूल संचालकों और शिक्षाविदों से की गई बातचीत। मैं सुरेंद्र कुमार चौहान, PVN स्कूल ददसिया। शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए नए नए प्रयास करने चाहिए। बच्चों को नए तरह से नई टेक्नोलॉजी के अनुसार शिक्षा देनी चाहिए। उन्हें नए नए सपने सजाने चाहिए कि आप इस शिक्षा के माध्यम से कितने आगे तक जा सकते हैं, अपने लक्ष्य को कैसे निर्धारित कर सकते हैं। और हर बच्चे को बड़ी गहनता से उसकी बातों को समझ के उसे शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि आज की शिक्षा का जो स्तर है वो पहले से बदल चुका है। पहले जो शिक्षा थी और आज की शिक्षा में अंतर आ गया, तो इसलिए बच्चे को शिक्षा देने के लिए नए नए सपने सजाने चाहिए, नई नई बातें बतानी चाहिए और नई टेक्नोलॉजी के अनुसार उस शिक्षा प्रोवाइड की जानी चाहिए। नैतिकता की जहाँ तक बात की जा सकती है, इसमें थोड़ा थोड़ा सभी का योगदान कि सारे ही स्कूल, अभिभावक, टीचर्स अगर सब एक स्तर से मिलकर कार्य करें तो बच्चे के नैतिक मूल्यों में कभी भी गिरावट नहीं आएगी। यौन शिक्षा आज जरूरी हो गई है। हर बच्चे के, हर पेरेंट्स को अपने बच्चों को अवेयर करना जरूरी है। लेकिन जहाँ तक स्तर की बात है, इस बारे में कुछ लोगों बैठ के स्तर का निर्णय किया जाए जी कहाँ से स्तर में इसको लगाए। हर आदमी की एक अलग नीति है जी काम करने की। ऐसा नहीं है कि सबने व्यापार बना दिया है, व्यवसाय बना दिया है। जो लोग आज भी शिक्षा को नीचे से दे रहे हैं, नीचे से उठा रहे हैं, बच्चों को बेस को उठा रहे हैं, हमारा स्कूल आज यहाँ इस गांव में उपस्थित होते हुए हमारे बच्चों ने इतना उत्कर्ष परिणाम दिया है। हमारे बच्चों के 90% नंबर हैं, जबकि हरियाणा बोर्ड का और फरीदाबाद का इतना गंदा रिजल्ट है। जब भी हमारे यहाँ के बच्चों ने 90% बोर्ड में एग्ज़ाम नंबर लिए। अब तक की खबरों में इतना ही। देखते रहिए न्यूज 48।